तो हेलो क्रिकेट आर्मी, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा केएल राहुल की स्टांस और उसकी टेक्निक के। तो हाल ही में सब्सक्राइबर ने पूछा था कि केएल राहुल पे टेक्निक और उसका स्टांस बताइए, सत्यम राज सब्सक्राइबर ने, तो वही मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केएल राहुल का मैं पहले स्टांस बताता हूँ, प्रॉपर स्टांस केएल राहुल सर का कैसा है। पैरों में ज़्यादा डिस्टेंस गैप रखते, ऐसे क्लोज नहीं लेते हो ज़्यादा, पैरों का थोड़ा गैप रहते क्योंकि पैड वगैरह रहते बीच में अड़चन आने के लिए। इतना बड़ा गैप लेने के बाद उनकी बैकलिफ काफ़ी अच्छी हाई होती है, ना कि वो स्लो लो और बहुत ही ऊपर भी नहीं लेते, क्योंकि बैकलिफ भी एकदम परफेक्ट है, ऐसी काफ़ी हाई होती है। और उनका जो लेफ्ट है, लेफ्ट पैर आगे की तरफ लीव होता है, झुका हुआ होता है, तो इसलिए कि बॉल की लाइन लेंथ अच्छे से जज करें इस तरह से, और फिर आके थे वो शॉट खेलते हैं। तो अभी दूसरे एंगल से देखो, आपको पैरों का और मोमेंटम पूरा समझ में आएगा। ये देखो केएल राहुल सर का ऐसा है, पैरों में पहले बड़ा गैप, हाँ बड़े गैप के बाद में उनका बैकलिफ, और ये ऐसा शोल्डर हेड और पैर ऐसे थोड़े लीव होते, झुके हुए होते आगे की तरफ, ना कि वहाँ पर ही ऐसे नहीं बैठते हो, आगे की तरफ झुके होते, उससे बॉल लाइन लेंथ जज करते और फिर शॉट खेलते। देखिए पैरों में पहले बड़ा गैप, बड़े गैप के बाद में उनका बैकलिफ और आगे की तरफ लीव, आगे की तरफ लीव, उससे वो उनका बेनिफिट ये बॉल लाइन लेंथ आराम से जज करते और फिर शॉट खेलते। उससे बेनिफिट भी अपने इतने सही है केएल राहुल सर के, क्या उनको बॉल का कौन सी दो, गुड लेंथ दो, शॉर्ट पिच दो, यॉर्क बॉल दो, उनके आगे की तरफ लिए पूरा ध्यान आगे की तरफ है, फोकस आगे, तो बॉल पे आसानी से जाते हो। अगर वो ऐसा खेलेंगे आगे थोड़ा पीछे ऐसा, तो ऐसे ही बॉल डॉट होंगे, आउट भी हो जाएंगे। तो आगे की तरफ लिव करें, उनकी प्रॉपर स्टांस मैं बताऊँ, फिर ऐसा। और गाइस अभी खेल रहे हो सर की टेक्निक है, अभी ये देखिए पैरों बड़ा गैप, बैकलिप आगे की तरफ लू और फिर पैर के बॉल अच्छे से ग्लांस करते हो, अच्छे से ऐसा ग्लांस करते, क्योंकि आगे की तरफ अपना बैलेंस रहता और बॉल सीधा पैड पर आते रहता तो परफेक्ट ग्लांस होता, क्योंकि ग्लांस के लिए क्या है, खड़े खड़े कोई ग्लांस नहीं होता, ऐसा खड़े खड़े कोई ग्लांस नहीं होता, आगे की तरफ झुक के ग्लांस करते, तो उनका पहले से ही थोड़ा ऐसा आगे झुके हुए थे, इसलिए उनका ग्लांस एकदम परफेक्ट है, वो उनकी टेक्निक है, उनकी सीधा बाउंड्री मिलती। और कवर्स में केएल राहुल इतना अच्छा शॉट मारते हैं, कवर्स में उनके बेनिफिट है इस तरह की वजह से। कवर्स में मारने के लिए क्या होता है, आगे की तरफ झुको, फ्रंट फुट निकालो और कवर्स में मारो। तो केएल राहुल सर का पहले से बड़ा गैप है स्टांस का, आगे की तरफ झुके और फिर बॉल को जज करके वो यहाँ से ही कवर्स में मारते, तो टाइमिंग बैट भी इतना परफेक्ट आता, सिक्स बाउंड्री आराम से मिल चुकी। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन दबा के उसे ऑल पर सेट कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, लाइक कर दे, ऐसे ही मैं क्रिकेट आर्मी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको अगले टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, कैसा आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी, थोड़ी सा बेसिक ये वगैरह सब मैं बताऊँगा आपको, हाई शॉट खेलने हैं, कट शॉट खेलने हैं, सब मैं आपको बताऊँगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए गुड बाय।